हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस जो एक इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है। गाइस, इस वीडियो में आपको एक या दो नहीं बल्कि वाइड रेंज के करियर ऑप्शंस बताए जाएंगे, जिनमें से आपको जो बेस्ट सूट करे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। गाइज़, ये जो वीडियो है वो इंग्लिश ऑनर्स पास आउट स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि इंग्लिश ऑनर्स के बाद अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को जानना चाहते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके इनमें से सारे करियर ऑप्शंस जो कि एक इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट ऑप्ट कर सकता है। गाइज, एक बात और, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बीए इंग्लिश ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो ये कोर्स है इंग्लिश ऑनर्स का, वो कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है बल्कि एक ऐसा कोर्स है जिससे आप काफ़ी सारी फील्ड्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और आपका फ्यूचर भी काफ़ी सारी फील्ड्स में बन सकता है। सो गाइज, अब सबसे पहला करियर ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो है जर्नलिज़म। तो गाइज, जो जर्नलिज़म है वो एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें आपका एनालिटिकल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इसके साथ साथ आपके जो भी सराउंडिंग में चल रहा है उससे कि आपको पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अगर हम एक इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट को लें कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज के स्टूडेंट, तो ये करियर ऑप्शन उनके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो ऑलरेडी से इम्प्रूव्ड होती हैं और साथ ही साथ अगर आप जर्नलिज्म करते हैं तो उसके लिए आपकी राइटिंग स्किल्स, एडिटिंग और ब्रॉडकास्टिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको जर्नलिज्म में कोई भी काम करने को मिल सकता है, जैसे कि आर्टिकल्स लिखने को या फिर एडिटिंग करने को या फिर न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करने को। तो गाइज, जो ये सारी चीज़ें हैं या फिर आप कह सकते हैं स्किल्स हैं, वो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट में अपनी ग्रेजुएशन के बाद आ ही जाती हैं, तो इसलिए ये कोर्स उनके लिए बेस्ट सूट करता है। चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे कोर्स की तरफ। दूसरा है मास कम्युनिकेशन। गाइज, अब जो मास कम्युनिकेशन है ये जर्नलिज्म से ही थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जर्नलिज़म के अगला स्टेप है ये, क्योंकि इसके अंदर आपकी फिल्म मेकिंग, एडिटिंग, पीआर, एडवर्टाइजिंग, कॉपीराइटिंग, मीडिया प्लानिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो गाइज, एक इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट जो है वो ये सारी चीज़ें कर सकता है अपनी ग्रेजुएशन के बाद क्योंकि उसके अंदर ये सारी ही स्किल्स होती हैं इनमें से किसी भी फील्ड में जाने की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो इंग्लिश ऑनर्स कोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, तो इसी वजह से आप लोग मास कम्युनिकेशन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक चीज़ होनी और ज़रूरी है कि आप इंट्रोवर्ट नहीं होने चाहिए बल्कि एक्सट्रोवर्ट होने चाहिए। अब चलते हैं हमारे थर्ड करियर ऑप्शन की तरफ जो कि है पीआर। जैसा कि मैंने अभी आपको मास कम्युनिकेशन के अंदर बताया तो उसी के अंदर आता है पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशंस। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इंग्लिश ऑनर्स के ग्रेजुएट्स हैं उनको पब्लिक के सामने अपनी कंपनी की सबसे बेस्ट इमेज दिखानी होती है। अब अगर आप पीआर के लिए ऑप्ट करते हैं तो आप लोगों को उसके अंदर प्रेस आर्टिकल्स लिखने होते हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज करनी होती है जितनी भी प्रेस रिलीजेज़ होने वाली हैं और पीआर के कैंपेन्स करने होते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको उसको हैंडल करना होता है और प्रेजेंट करना होता है मासेस के सामने यानी कि पब्लिक के सामने। तो इसी वजह से ये करियर ऑप्शन भी बेस्ट सूट होता है इंग्लिश ऑनर के ग्रेजुएट्स के लिए। अब जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन हमारे सामने आता है वो है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग।
गाइस, जैसा कि आप लोगों को इसके नेम से ही पता चल रहा है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको जो भी आपकी कंपनी है उसकी मार्केटिंग करनी होती है और साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग भी करनी होती है उनकी। गाइस, अब इन दोनों चीज़ों के लिए जो भी इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट ऑप्ट कर रहा है तो उसके अंदर दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। पहली तो कम्युनिकेशन स्किल्स और दूसरी क्रिएटिविटी, क्योंकि आप जब भी अपनी कंपनी की मार्केटिंग करते हैं या एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और क्रिएटिविटी भी हो आपके अंदर, ताकि आप जो भी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो दूसरों से अलग हो या फिर यूनिक हो। अब ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी आपकी मास है या पब्लिक है तो उन लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट्स में बढ़ता है और इसी वजह से जो कंपनी है उनको प्रॉफिट होता है और उनकी जो ब्रांड रीच है वो भी बढ़ती है। तो अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के ग्रेजुएट हैं और आप इसके लिए ऑप्ट करते हैं तो ये स्टेप जो है वो आपका स्टार्टिंग स्टेप होगा और आप इससे धीरे धीरे करके आगे भी निकल सकते हैं। गाइज, अब जो नेक्स्ट आता है वो है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये तो आजकल के टाइम में आप देख ही रहे होंगे कि जो भी लोग हैं वो डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग से घर बैठे भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि अब जो एज है वो डिजिटल एज चल रही है इस टाइम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अर्न करना है तो आप ऑफिस में जाके ही अर्न करें। इसलिए अगर आपको डिजिटली हर चीज़ यूज़ करनी आती है और आपके पास अच्छा कंटेंट है तो आप इजीली डिजिटल मार्केटिंग से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब गाइस, डिजिटल मार्केटिंग से आप चाहे तो किसी ब्रांड के लिए भी काम कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपना कोई ब्रांड क्रिएट करके या अपना कोई बिजनेस क्रिएट करके उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और गाइस, आप लोगों को ये भी पता होगा कि आज के टाइम में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो इसी का यूज़ करके अपनी घर बैठे अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी इसी से इजीली बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। गाइस, अब नेक्स्ट जो है वो है कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। अगर आप किसी भी इंग्लिश ऑनर्स की ग्रेजुएट से बात करेंगे तो सबसे पहले हर कोई आपको इसके बारे में बताएगा जो है कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। और अगर आप इंटर्नशाला पे भी सर्च करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी, जिसे कहते हैं, इंटर्नशिप्स करने को मिल जाएंगी। और गाइस, कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग, ट्रस्ट मी, ये इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अगर आपने एक बार सीख ली तो ये बहुत इजी और अच्छा काम है। इसको अगर आप चाहें तो फुल टाइम भी ऑप्ट कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी, और साथ ही साथ अपना खुद का भी कुछ कंटेंट लिखना चाहें, ब्लॉग लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और उससे भी आप अपना अर्न कर सकते हैं। गाइज, इसके अंदर होता क्या है, जो कंटेंट्स होते हैं आपको वो वेबसाइट्स के लिए लिखने होते हैं, जैसे कि कोई फैशन की वेबसाइट है या फिर कोई टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है या किसी एनिमल्स के ऊपर लिखना है तो आपको डायरेक्टली उनको ब्लॉग्स लिखकर भेजने होते हैं और उसके बाद उन्हें पोस्ट करना होता है। बस इतना सा काम होता है जिसको हम कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग बोलते हैं। गाइज, अब जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है क्रिएटिव राइटिंग। गाइज, अब जब आप इंग्लिश ऑनर्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप लोग जो हैं वो क्रिएटिव राइटिंग की ही पढ़ाई करते हैं, मतलब कि बहुत सारे जो भी पोएट्स वगैरह हैं या फिर जो राइटर्स हैं आप उनके कंटेंट पढ़ते हैं, तो ये सब कुछ एक क्रिएटिव राइटिंग के अंदर ही आता है। अब एक बार सोच के देखिए कि आपने जिस चीज़ पर अपने पूरे 3 साल लगाए हैं जिस चीज़ को समझने के लिए, तो अगर आप वो खुद करेंगे तो कितना ईजी होगा आपके लिए वो करना, अगर हम कंपेयर करें दूसरे बच्चों से। तो इसी वजह से जो क्रिएटिव राइटिंग है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है इंग्लिश ऑनर के ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि वो अपने पूरे 3 साल इसी में इन्वेस्ट करते हैं, इसी चीज़ को पढ़ते हुए, तो वो बहुत ईजीली इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं और इसीलिए ये करियर ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। गाइज, अब जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है लॉ।
आई नो आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि लॉ जो है वो कैसे कनेक्टेड है इंग्लिश ऑनर्स से, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल की जो जनरेशन है और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के बाद लॉ को ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको बस अपनी ग्रेजुएशन के बाद 3 और साल इन्वेस्ट करने हैं और उसके बाद आपका LLB का कोर्स भी पूरा हो जाता है। और वो सब इसीलिए इस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि जब आप इंग्लिश ऑनर्स करके ग्रेजुएट होते हैं तो आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है और क्रिटिकल रीजनिंग की स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और ये दोनों ही स्किल्स आपकी इस कोर्स में हेल्प करती हैं। और इसके बाद आप लोग इस करियर ऑप्शन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। गाइज़ अब जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है टीचिंग एंड अकेडमिया। गाइज़ अगर आप लोग इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट हैं तो इट मीन्स यू आर एजुकेटेड इनफ कि आप लोग किसी ऐसे कोर्स को करके एक और नई फील्ड अपने लिए खोल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स करी है 3 ईयर्स की, तो उसके बाद आप 2 ईयर्स की BEd भी कर सकते हैं और उसके बाद एक टीचर बन सकते हैं। गाइज़ स्पेशली गर्ल्स जो हैं इस कोर्स को ज़्यादा ऑप्ट करती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, जो बॉयज़ हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। और अगर आप BEd करते हैं तो आप स्कूल्स वगैरह में भी टीचर लग सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के बाद अपनी MA परस्यू करते हैं और उसके बाद हायर एजुकेशन करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एक प्रोफेसर लग सकते हैं। तो गाइज़ ये थे कुछ करियर ऑप्शंस जो आप लोगों के लिए बेस्ट सूट करेंगे। गाइज इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे इंग्लिश ऑनर ग्रेजुएट से कंसल्ट किया और उन्होंने ही मुझे ये कोर्सेज बताए हैं जो कि वो परस्यू कर रहे हैं, या फिर उनके नोन में जो लोग हैं वो इन कोर्सेज को इंग्लिश ऑनर्स के बाद परस्यू कर रहे हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहा होगा। गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़।